हेलो डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका बीकॉम वालों का हिंदी बी का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है गाइज, बहुत मेहनत से मिला है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देने के बारे में कहा गया है। तो देखिए आपको यहाँ से कर लेना है गाइज इसका आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए पहले जीवन, यहाँ देखिए हेडिंग लिखा है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, पहले आपको इनका जीवन परिचय के बारे में लिख लेना है, ठीक है। ये थोड़ा देखिए आपको, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी धनी परिवार के संबंध में रखते थे। इनका बचपन बहुत खुशहाली से बीता। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, परंतु वह केवल सातवीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी कर सके। तो ये आपको कुल इनका जीवन परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख रचनाएँ कुछ हैं वो लिख लेना है, ठीक है। और फिर देखिए जो रचना इन्होंने की, काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, ये आपको लिख लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाना, तो देखिए साहित्यिक विशेषताएँ आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो इनके पूरा परिचय के बारे में कहा कि जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक परिचय, उनका पूरा विशेषता है परिचय सब बताना है आपका। देखिए अब मैं परिचय ही बता देता हूँ। अब आप कमेंट में ये मत बोले सर इसमें ये कहा गया जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय के बारे में बस। तो देखिए बस आप क्वेश्चन सही से थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा कि क्वेश्चन एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन एक ही रहता है, चाहे आप परिचय बोलिए या साहित्यिक परिचय बोलिए, ठीक है। तो आपको पूरा लिख लेना है। देखिए साहित्यिक परिचय में पहला लिख लेना है साहित्यिक विशेषता या परिचय एक ही कहा जाता है। देखिए पहला राष्ट्रीय भावना, ये देखिए आपका पॉइंट बना हुआ है, बस आपको लिख लेना है आराम से बिल्कुल बेफिक्र, ठीक है गाइस। ये आपका देखिए 101% 100% गारंटी लगता है कि बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रीय भावना, ये आपको हो गया हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना है। इनका अधिकांश रचनाओं में देश के प्रति बलिदान, त्याग, समर्पण, देशवासियों के प्रति करुणा, ये आपको पूरा लिख लेना, ठीक है। अब देखिए दूसरा इनका है प्रेम भावना, दूसरा पॉइंट आप लिख लेना है प्रेम भावना जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या है। तीसरा आपका प्रकृति वर्णन और चौथा नारी भावना। तो ये देखिए चार आपको मैं बताया हूँ, तो और आगे हो तो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो गाइस अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो। ये आपके बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है हिंदी बी का, हिंदी सी का। गाइस अब मैं वीडियो कल लाऊँगा हिंदी सी का, क्योंकि अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे क्वेश्चन ढूंढने में, इसलिए ठीक है आंसर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, सॉरी गाइज। तो हिंदी बी का आज मैं करवा देता हूँ ये दो क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा आराम से, जो आंसर आपको अच्छा लगे। ये देखिए पाँचवा कलापक्ष, ये कलापक्ष आपको कर लेना है गाइज, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा भी हार्ड नहीं, बिल्कुल ईजी आंसर है, बस थोड़ा दिमाग से आपको कर लेना है। पॉइंट भी आपकी बनी हुई है गाइज, कि इसमें देखिए ये बस साहित्यिक परिचय के बारे में पूछे थे। साहित्यिक परिचय ज़्यादा पेज में आएगा नहीं, मुझे भी पता है कि आप मुझे बोलोगे सर ये इतने पेज में आया, तो मुझे पता है कि परिचय में इतना ही पेज आएगा गाइस, ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें। देखिए इसका आंसर आपका यहीं तक है, खादी अलंकार प्रसाद जी का प्रिय अलंकार। टोटल 5 मैंने आपको बताया, तो 5 आपको लिख लेना है। थोड़ा एक लाइन स्टेप छोड़ कर लिखिएगा, ठीक है, आराम से बिल्कुल मस्त से लिखिएगा, ठीक है। ये तो आपका देखिए 5 है, 5 मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इस वीडियो का आंसर यहीं तक, और अगली नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। जब तक आप बने रहिएगा, जय हिंद, जय भारत, और बाय बाय, गुड नाइट।